श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे के बोलना हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यला विष्णु विष्णुपाद हम बोलिए सुन विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री मधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितरीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आप लोगों ने अभी अभी श्रवण किया है श्री माधव महाराज से, ये महीना का नाम है राधा दामोदर व्रत है। ये दो दामोदर है, एक जसोदा दामोदर और एक राधा दामोदर है। भगवान अनंत है, असीम है, जिसका बाहर भी नहीं और जिसका भीतर भी नहीं, लेकिन होते हुए भी लेकिन मैया जसोदा की प्रेम में भगवान बंध गए। मैया ने कृष्ण को उखल में बांध दिए और आप लोग ने श्रवण किया लास्ट के बाद में जब ब्रज गोपियों ने ये गोपी गीत वो गाए, ये गोपी गीत में इतने शक्ति थी कृष्ण का स्वयं ये गोपी गीत आकर्षण करके उनको बीच में प्रकट कर दिया है। बोले तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बर धर सर साक्षात मन्मथ मन्मथ। जब भगवान स्वयं मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर के प्रकट होते हैं, फिर गोपियों ने उनको अपना अपना चुनरी से उनके लिए आसन किया और आसन में उनको बैठाया और राधा रानी को चुनरी को साथ में कृष्ण का जो दोपटा था उसको अच्छे तरह से काट दिए। बोलिए कन्या बड़ा कटखट है, ये हमारी राधा रानी को ये छोड़ कर दिए बारम्बार भाग जाते हैं, इसे भाग नहीं पाए। इसलिए जैसे वो अनंत असीम होते हुए भी मैया की और राधा रानी के प्रेम में वशीभूत हो गए, कभी जो दो लीला है इसी महीना में प्रभु ने ये दो लीला की है। इसलिए भगवान का वरदान है, मैं अनंत असीम होते हुए भी जैसे भक्तों का प्रेम में वशीभूत हुआ हूँ, अगर इसी महीना में थोड़ी सी कोई अगर भक्ति करे, जैसे आप लोग सवेरे आए मंगलारती दर्शन किया, तुलसी परिक्रमा, फिर कीर्तन हरि कथा, भगवान के सारे लीला स्थलियों में दर्शन करेंगे, अगर थोड़ी सी भी कोई भक्ति का आप जाचन करे कृष्ण उनका प्रेम में भगवान वशीभूत हो जाएंगे इस महीना में। इसके इतने महिमा मेरे गुरुदेव बोलते थे इसी महीना में तो कृष्ण की इतनी मधुर से मधुर लीला है, जैसे मक्खन चोरी है, दर्शकों को मारना है, उनका रास है गिरिराज उठाना, और हमारे जितने सारे गुरु वर्गों का तिथि इसी महीना में ही भगवान ने की है, ठाकुर जी ने वैष्णव लोग ने की, इसलिए इसी महीना की विशेष विशेष महत्व है। इसलिए गुरुपाद ब्रह्मा की जो नमामि स्वरम ये जो अष्ट को बड़े सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। इसका जो पहला श्लोक है बल नमामि स्वरम सचिदानंद रूप लासत्पुटाला गोकुले प्राजमानम या स्वदा दिया और एक है राग भक्ति। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विधि मार्ग रहता जने
स्वाधीनता रत्न गाने राग मारे करार प्रवेश। हम डायरेक्ट राग भाग में छलांग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नमानी शब्द है ये ऐश्वर्य बाजी ये नमानी शब्द है। इसलिए नमामि मतलब होता है शरणागति। इसलिए आप देखो भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसमें क्या है, बोले जन्मा दस्य जतः सत्यं परम धीमहि। यहाँ पर भी पहले उसने यहाँ पर भी ऐश्वर्य को प्रकाश करते हुए बोले रासलीला जत्ते भी संपूर्ण रसमय है, लेकिन पहला शब्द बोले भगवान अपि तारात्री। पहला शब्द भगवान से शुरू करते हैं, ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं बोले नौ विद्यते। इसलिए रसिकों का एक विशेषत्व है, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं जब कोई माधुर्य लीला को वर्णना करते हैं वो पहले सावधान कर देते हैं, बोले साधु सावधान, ऐसे नहीं तुम भक्ति में हाँ वैद्य भक्ति को जागर नहीं किया और सीधा तुम बोलो हम राग भक्ति में पूरा जैसे गोपी जैसे बाबा जी लोग हैं। बाबा जी लोग क्या करते आते ही बास एकादश भाव तुम ये मंजरी ये सखी एकदम तुम लड्डू मंजरी और तुम रसगुल्ला मंजरी नाम दे देते हैं, बोले नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब उपदेशामृत को प्रारंभ करते हैं पहले वो पांचों वैगम से शुरू करते हैं, पांचों वैगम से वसूल करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब मन संख्या को प्रारंभ करते हैं गुरु गोष्ठ से प्रारंभ करते हैं। कोई भी गोस्वामी डायरेक्ट कोई भी छलांग नहीं लगाया, वो सब के सब प्रारंभ वैद्य भक्ति से साधन भक्ति से उन्होंने शुरू किया है। इसलिए सर्वप्रथम जो शब्द है कहते नमामि ईश्वरम। इसलिए कहते ये कौन है, बल्कि ये ईश्वर है जिसको कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर है। बल ईश्वर का मतलब क्या है, बल अघटन घटन पटेसी, मतलब है को नहीं और नहीं को जो है कर सकते हैं तो वो ईश्वर है जो सर्व कारण का जो कारण है। इसलिए हम इनके चरण में हम सबके सब प्रणाम करते हैं। इसलिए नमामि ईश्वरम कहते सचिदानंद रूपम। इनका स्वरूप कैसे है, हमारे जैसे स्वरूप नहीं, हमारा जो स्वरूप है चिति जल पा ग भगवान के शरीर से नहीं, उनका शरीर सात चीत और आनंद से, ये तीनों चीज को द्वारा उनकी स्वरूप वर्णना की गई। हमारा जैसे साधारण हाथ मांस और ताटी पेशाब का थली भगवान की नहीं, वो सात चीत और आनंद स्वरूप है। यहाँ पर एक सुंदर शब्द कहते हैं बोले गोकुले भ्राजमानम, कहते ऐसे जो भगवान हैं उनका शोभा कहाँ हो रही है, बोले गोकुले भ्राजमानम, कहते ये गोकुल में विशेष करके शोभायमान, बोले इसका मतलब क्या है और क्या कहीं शोभायमान नहीं होते हैं, बोले कृष्ण बोले एक होते हुए भी कृष्ण तीन है, वो मथुरा द्वारका में ये पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है और ब्रज में जब ये पूर्णतम ये कृष्ण ब्रज में, यद्यपि एक ही कृष्ण है लेकिन इनकी जो शोभा इनकी जो माधुर्य है वो पूर्ण रूप में कहाँ प्रकाश अभिव्यक्ति होता है, कहते भक्तों के अनुरूप उनका भाव की अभिव्यक्ति होता है। जैसे कृष्ण रंगशाला में प्रवेश किया तो एक साथ उनके शरीर में ये द्वादश रस की एक साथ में बारह शब्द अंदर में प्रकट होता है, जिसकी भावना रही जैसी और भरी मूर्त देखी तीनी तैसी। इसलिए जगह में उस सब जगह है लेकिन पूर्ण रूप में जो उनकी स्वरूप अभिव्यक्ति है वो केवल गोकुल में। इसलिए पितामह भीष्म जब भगवान को स्तुति कर रहे हैं लेकिन पहले स्तुति में तो उन्होंने बताए विजय सखे रस्तु में अनवद्या, पहला स्तुति में बताए बल्कि हम तो चाहते हैं जो विजय सखा मतलब जो अर्जुन का जो सखा है कभी इनके चरण में हमारी रति रहो। जब उन्होंने बोले विजय सखा रति मस्तु तब कितने में कहते भैया क्या विजय सखे मतलब अर्जुन का जो सखा कृष्ण है उनको चरण में रति हो। भीष्म ने देखा भैया मैंने तो जो बात बताई ये मत समझो
कृष्ण जब केवल भीष्म के साथ में अर्जुन कृष्ण जब अर्जुन के साथ में क्या संपूर्ण इनकी स्वरूप की संपूर्ण अभिव्यक्ति है क्या माधुर्य की? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, उनका संपूर्ण नहीं, बस तब उनका संपूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति किया। फिर उन्हें दूसरे श्लोक में कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास, कहते हे प्रभु यद्यपि आप सब जगह में शोभायमान हो, सब जगह में सुंदर हो, जब सखा को साथ में रहते हो तब भी आप सुंदर हो, जब आप मैया यशोदा के पास में रहते हो तब भी आप सुंदर हो, लेकिन आपकी संपूर्ण सुंदरता की अभिव्यक्ति कहाँ पर है? बोले जब श्री राधा रानी के साथ में गोपियों के साथ में जब आप रास लीला करते हो उसी समय में ही अपना संपूर्ण सौंदर्यता की संपूर्ण अभिव्यक्ति, बोले आप दूसरे भक्तों को देख कर भी हंसते हो लेकिन जब गोपियों की राधा रानी को देख कर हंसते हो वो हंसना और कोई हंसना है। आप सब जगह में सुंदर दिखते हो, सबके साथ में नृत्य करते हो लेकिन जब श्री रासों में नृत्य करते हो वो नृत्य की अलग अलग सुंदरता है। आप सबको देखते हो, सबके साथ में बोलते हो लेकिन गोपी राधा रानी के साथ में जो बोलते हो वो बोली अलग बोली है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोकुले भाग्यमानम, वो गोकुल में ही पूर्ण रूप में सौंदर्य की संपूर्ण अभिव्यक्ति उनको गोकुल में। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जिसको श्री बृहद भागवत अमृत में वर्णना करते हैं कृष्ण जब ब्रज की चिंतन करते करते बेहोश हो गए। अभी नारद जी को बोले कीर्तन कर, बोले देखो कीर्तन करके कृष्ण भाग जाएंगे ब्रज में, बोले क्या करें फिर नव वृंदावन में प्रकट करते हैं। फिर नव वृंदावन में जिस समय ब्रह्मा जी बड़े सुंदर उन्होंने नव वृंदावन बनाए, सखा बनाए, सखी बनाए, जैसे गोपियां कंज से दर्शन करती राधा रानी, जैसे मैया जसोदा कृष्ण को मंथन देती है, उन्होंने सब कुछ उन्होंने वर्णन किया और कृष्ण का संपूर्ण ड्रेस को बदला दिया, संपूर्ण द्वारका वेश को छोड़कर ब्रज वेश में उनको श्रृंगार करती, ताऊ बुढ़िया का ड्रेस भी बदला दिया। बदला करके अभी ये रुक्मिणी सत्यभामा ये सोचती थी कृष्ण के ब्रजवासियों को इतना क्यों प्रेम करते हैं, और इतने में उद्धव जी नारद जी सबके सब दूर में रहो, सामने कोई नहीं आए, इनको पता नहीं चले यहाँ पर द्वारका है, पता चले ये ब्रज है। इतने में नारद जी और श्री पद्मा कौन है कंस की माँ जो डोकरी, बोले दूर में खड़े रहो, लेकिन जिस समय नारद जी ब्रज की कीर्तन थी और कृष्ण का धीरे धीरे होश आया, वो सोच रहे थे ब्रज में और देखा ब्रज ड्रेस है, सामने जैसे समुद्र लगा जैसे यमुना नदी, और इतने में देखे मैया यशोदा जब कृष्ण सवेरे गोचारण करने जाते हैं जैसे मैया यशोदा मक्खन खिलाती है वो ऐसे मक्खन दे रही ऐसे स्टैचू बनाए। जिस समय कृष्ण जगे और ब्रज में रहते समय उनका जो हाव भाव कटाक्ष उनकी जो बोली जो शरीर का जो भंगी है कृष्ण जब प्रकट की ना वहां पर जो पद्मा थी वो 100 साल की डोकरी वो तो सोचने लगे मैं 11-12 साल की मैं छोरी हूँ, और कृष्ण को आलिंगन करने के लिए जैसे चुंबन करते हैं वो अपना होठ को चाटने लग गई, मतलब कृष्ण रूप देख कर को भूल गई मैं 100 साल की कोई डोकरी हूँ और सोच रही मैं तो कोई छोरी हूँ, और जितने महिषियां कृष्ण रूप को देख करके सबके सब पकड़ने के लिए भगे और किसी तरह से उनको वहां पर संभाल की गई किसी तरह से, फिर तो महिषियों को बता दिला भैया सचमुच से कृष्ण तो ब्रजवासियों का जो उनकी सेविका का सेविका का सेविका को जितने प्रेम करते हैं उतना प्रेम हमारे प्रति नहीं, सचमुच से कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं और कृष्ण जब गोचारण करके जाते हैं गोपियां जैसे कुंज से देखती हैं राधा रानी जैसे देखती हैं कृष्ण जैसे उनको तरफ देख रहे थे ना, जिसको देख करके सारा द्वारका मुक्त हो गई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यद्यपि कृष्ण सब जगह में शोभायमान है लेकिन उनको पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति कहाँ पर है, बोले जब वो ब्रज में रहते हैं, इसलिए कहते हैं गोकुले भाग्यमान, वो गोकुल में पूर्ण रूप में शोभायमान रहते हैं। इसलिए कल से फिर आप लोग श्रवण करोगे जैसे यशोदा धीर खराब दबा ताप मना कृष्ण कैसे घर घर में प्रभु कैसे मक्खन चोरी करते हैं, इसलिए मैया यशोदा सोचती हैं लगता है मेरे घर का मक्खन से आप कोई खट्टा होता होगा, दूसरे गोपियों का घर का कोई मीठा होता होगा, इसलिए मेरे लाला दूसरे घर में जा जाकर मक्खन चोरी करती है। मैया यशोदा ने स्वयं अपना घर में कैसे मक्खन बना स्वयं कैसे मक्खन बनाती हैं और कृष्ण कैसे
घर घर में जो मक्खन चोरी करते थे कृष्णा, एक दिन कृष्णा किसी गोपी घर में, एक दिन कृष्ण किसी गोपी घर में मक्खन चोरी करने के लिए गए। इतने में एक गोपी ने क्या किया, झट पकड़ लिए, बोले कन्हैया कहाँ जाओगे, आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी, बोले थंबे के ऊपर हाथ रखो, ये थंबे के ऊपर हाथ रखो। जब कृष्णा थंबे के ऊपर हाथ रखने के लिए गए, जब उन्होंने कृष्ण को बांधने के लिए गए ना, कृष्ण का हाथ तो बड़े कोमल है, मक्खन से भी कोमल, कृष्ण को बांध नहीं पा रहे। इतने में गोपी गए, कृष्ण कहे थे गोपी तुमने कभी बंधी गई कि नहीं, बोले नहीं, बोले जब तक तू स्वयं बंधी नहीं जाओगे फिर दूसरों को बांधो कैसे, बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है, बोले और क्या, बोले थोड़ा सिखा दे, बोले खंभे के ऊपर हाथ रख, अभी तेरे को मैं सिखाता हूँ। जब उसने खंभे के ऊपर हाथ रखे, कृष्ण अच्छे तरह से एक लपेटे, दो लपेटे, एक कान, दो कान और गुण गान अच्छे तरह से कृष्ण बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, तुम्हारी बात छोड़ दो, बोले आत्मा रमस चंद्रे हो निर्गंध अभिक्रमे गुरुबंधी अहित की भक्ति भूत है। भगवान की जो लीला में इतने माधुर्यता है, जो आत्मा में रमण करने वाले बड़े बड़े योगी और जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कहते परिनिष्ठित तुमने उत्तम श्लोक लीलाया। सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी तो मैं बांध देता हूँ। बोले कन्हैया कौन, बोले गोपी अभी तक तुमने किसको खोलना नहीं सीखा, सब तो मैंने बांधना ही सीखा, बस हम बोला तो क्या कन्हैया ना से बांध। इसलिए ऐसे ही कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते, इसलिए कल से हम लोग सुनेंगे कृष्ण जैसे मक्खन चोरी करते, ठीक है। बोले बादशाह जब गुरु कृपा सिंधु भाई बचा कविता नाम पावने को वैष्णव को नमो नमः।